हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल नॉलेज चैनल में सभी का स्वागत है। जो इंग्लिश ओडीआई कप की कल मैच होने जा रही है, केईट वर्सेस नॉट यानी कि केंट वर्सेस नॉटिंगहमशायर, मैं उसकी ड्रीम 11 टीम बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले जो मैचेस होने वाले इसकी भी बने, और फुटबॉल मैच की भी मैंने ड्रीम 11 टीम बने, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए ड्रीम 11 टीम बताते। देखो भाई, अगर कोई स्मॉल लीग के लिए खेलता है तो कोई ग्रैंड लीग के लिए, तो उस हिसाब से भी टीम बनानी पड़ती है। और हमेशा दिमाग के साथ ही खेलो, यानी कि दिमाग के साथ ही हमेशा टीम बनानी चाहिए, कि ना कि कॉपी पेस्ट। मैंने हर व्यूअर सब्सक्राइबर से हमेशा ये कहता हूँ कि भाई, अगर तुम ग्रैंड लीग के लिए खेलते हो तो हमेशा यूनिक टीम और पॉसिबिलिटी के साथ बनानी चाहिए, ना कि एक ही टीम में बार बार कप्तान वाइस कप्तान हो, थोड़े प्लेयर चेंज करो। ये तो स्ट्रेटेजी हर कोई अपना रहा है, थोड़ी नहीं। तो यहाँ विकेट कीपर में देख सकते कि टॉम मॉरिस जो नॉटिंगहमशायर के, और एडम रोस हो, ऐसा रहे कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो मैचेस होने जा रही, तो ज़्यादा प्लेयर चले गए, यानी कि जो स्क्वाड में थे वो चले गए, यानी कि ऐसे बात है कि सैम बिलिंग्स नहीं खेलने वाले ये मैच। तो हम सेफ जाते टॉम मॉरिस को लेते, बैट्समैन की ओर चलते थे एलेक्स हेल्स, जो कन्फर्म खेलेंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में सब चले गए। तो सेफ जाइए, डैनी ब्रूनर को लीजिए, रिकी विल्स को लीजिए, हेनी क्विन को लीजिए, डिक्सन को भी ले सकते हैं आप। ऑलराउंडर की ओर चलते तो नॉटिंगहमशायर के कप्तान जो है स्टेन मुलानी, उन्हें भी ले सकते हो, कि जॉय डेनली जो केंट के नॉटिंगहमशायर के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है, समित पटेल, उन्हें भी लीजिए। आगे चलते बॉलर की ओर जाते तो मैट हेनरी को लीजिए, कैलम हैगर्ट को लीजिए, मैथ्यू कार्टर को लीजिए, क्रेडिट कम पड़ रहे। तो हम भाई यहाँ जाते एलेक्स ब्रेक को लेते, आगे जाते तो यहाँ समित पटेल की जगह में डेरेन स्टीवन को लेता हूँ, नहीं मैक्सिमम 7 प्लेयर ही चलते, तो हमें एलेक्स ब्रेक की जगह और बहुत अच्छे प्लेयर है, आप उन्हें अपने अगले स्क्वाड में लीजिए। भाई किसको नहीं लिया, एलेक्स ब्रेक्स को नहीं लिया, रिकी विल्स को नहीं लिया, एलेक्स हेल से इनका कन्फर्म नहीं, मतलब ये नीचे वाली कन्फर्म है ज़्यादातर, जैक ले भी छोड़ के शायद वो भी खेल सकते, लेकिन नहीं है स्क्वाड में तो दिया नहीं, वो आप ले सकते। मैंने एक पॉइंट के चलते, क्रेडिट के चलते मैंने नहीं लिया, तो वैसे गलती आप मत कीजिए कि ना ही लो। तो यहाँ परफेक्ट हो चुके हमें, अब समित पटेल को भी शायद 8 क्रेडिट के अगर कोई बॉलर बचता है, मिचेल क्लेडर खेलेंगे नहीं भाई, तो स्क्वाड में दिया लेकिन नहीं, इतना कन्फर्म नहीं। आप फिर भी मैं बताता हूँ अगर कोई चेंजेस होते तो, क्योंकि क्रिकेट मैच में बहुत जल्दी पता भी चलता है भाई, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि कन्फर्म मिले। ये सभी टॉप परफॉर्मेंस प्लेयर लिए भाई, कोई फालतू वगैरह तो नहीं प्लेयर लिए, तो उस सबसे मैं हमेशा ड्रीम 11 टीम बनाती हूँ। मैंने कहा यार, सबसे बड़ी बात आती है कि आप कप्तान और वाइस कप्तान किसको करेंगे, क्योंकि आधी रैंक और आपकी जीत का डिस्टेंस भी ये होता है कि कप्तान और वाइस कप्तान आपके बहुत अच्छे खेलेंगे। तो यहाँ कप्तान वाइस कप्तान के 4-5 ऑप्शन है, बता दो स्टेन मुलानी जिन्हें कप्तान कर सकते, वाइस कप्तान में यहाँ हुगन को करने चलो, या फिर डेनियल ब्रून को कर सकते, यह देख सकते हैं। पेरू में मैंने किया आप करो ऐसा कुछ नहीं, टीम मॉरिस बहुत अच्छा ऑप्शन है, डैनियल ब्रूनट मैंने उन्हें भी कहा है, जॉय डेनली जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बैट्समैन है सभी पता तो है, लेकिन बहुत अच्छे रन बनाते, और समित पटेल वो तो विकेट भी चटकाते, 3-4 और रन भी बनाते, पिछले मैचों में भी बनाए, तो आप उन्हें भी कर सकते। या कप्तान वाइस कप्तान के 5 ऑप्शन है जो मैंने अभी बताए, अगर चेंजेस होते तो मैंने कहा है क्रेडिट के चलते बैट्समैन को मैंने नहीं लिया, उन्हें भी ले सकते, और बॉलर को भी ले सकते जो मैंने कहा था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ भाई।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।